नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार और मैं हूं सलमान सागर। जी हां, इस वक्त आप पीछे दो बूढ़े शख्स को देख रहे हैं। ये सीतामढ़ी डीएम चैम्बर में खड़े हुए, इनके चेहरे पर जो मुस्कान है वो मुस्कान बताती है कि आज इन्हें करोड़ों रुपये से भी बड़ा सौगात मिला है। और ये सौगात उनके बेटे के रूप में जो उपलब्धि मिली है, इन्होंने साइंस टॉप करके बिहार में चौथा स्थान लाया है इंटर के रिजल्ट में। और सीतामढ़ी डीएम डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह और सीतामढ़ी एसडीओ आईएएस मुकुल कुमार गुप्ता ने बड़े ही मुस्कान के साथ इन्हें सम्मानित करने में खुद को गर्व महसूस किया है। ये होनहार जो है ये हमारे सीतामढ़ी जिला के हैं। हम चलते हैं डीएम साहब के पास, जानते हैं कि सर क्या उपलब्धि मिली है इन्हें। निश्चित रूप से केशव को बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारे पूरे सीतामढ़ी के लिए गौरव का क्षण है जब इन्होंने फोर्थ रैंकर साइंस में किया है। इनके उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ, साथ ही इनके माता पिता को भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने इनका संस्कार और ऐसी संस्कृति दी है कि इन्होंने फोर्थ रैंकर लाया है। उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में अच्छे नागरिक तो होंगे ही, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल करके सरकारी स्कूल से। और सरकारी स्कूल से होने के लिए आप समझ सकते हैं कि सरकारी स्कूल की क्वालिटी भी सुधरी है, जिसके चलते सीतामढ़ी से अच्छे रिजल्ट हो रहे हैं। और ये हमारे लिए, पूरे जिला प्रशासन के लिए, पूरे जिलावासियों के लिए गौरव का क्षण है कि फोर्थ रैंकर पूरे बिहार में होना एक, और उसके साथ मुझे खड़ा होना मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। और उम्मीद करता हूँ कि अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ हासिल करेंगे ताकि जिले का गौरव जो है और आगे बढ़ता जाए। उन सभी छात्र छात्राओं को मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी अपने जीवन में अच्छा करना चाहते हैं इनसे जरूर प्रेरणा लें, लेकिन साथ में यह भी कहूँगा जो लोग पीछे रह गए हैं या फेल कर गए हैं निराश ना हो, क्योंकि वही सूरवीर होता है और वही जो है आगे जाता है जो गिर के फिर से संभलता है और आगे जाता है। तो एक तरफ हम फोर्थ रैंकर को सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए उन युवाओं को भी, उन छात्र छात्राओं को भी मैं यह बेस्ट विशेष देता हूँ कि आप नेक्स्ट टाइम प्रयास करें और सीतामढ़ी से और थर्ड रैंकर, सेकेंड रैंकर या फर्स्ट रैंकर आए, इसके लिए भी मैं सबको आमंत्रित करता हूँ और अच्छा करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, जिला वासियों के लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आप बताइए, दो शब्द, सरकारी स्कूल से पढ़ा आपने, लगा ऐसा कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ते तो ज्यादा नंबर आता नहीं, या मेहनत, अपनी ईमानदारी? जी मेहनत तो बहुत बड़े मायने रखती है, तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हाँ कि हम सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट से पढ़नी चाहिए। नहीं, जहाँ तक सरकारी का सवाल है, मैं भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हूँ और आईएएस बना हूँ। अरे वाह, तो ये है सरकारी स्कूल की क्वालिटी। वो लोग जो आरक्षण को गाली देते हैं, वो लोग जो किसी के मेहनत को गाली देते हैं, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, मेहनत करोगे तो आसमान की बुलंदी भी तुम्हारे सामने नीचे अपस्त हो जाएगी। हम चलते हैं इन पिताजी के पास में, चेहरे पर दाढ़ी है, बुढ़ापे का लकीर है, लेकिन मुस्कुराहट ऐसी है कि जैसे आज अपने आप को जवान महसूस कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है माता जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और बताइए आप लोगों का? आप अभी तैयारी कर रही हैं? आप भाई हैं। एक शख्स और हमारे साथ में सीतामढ़ी के एसडीओ, हमेशा चेहरा इनका बिल्कुल गुस्से से भरा रहता है, लेकिन आज ये मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इनकी मुस्कुराहट खास है। सर क्या? नहीं, गौरव का क्षण है, क्योंकि सरकारी विद्यालय से है तो प्रोत्साहित करना हम लोगों के लिए आपस, सर ने कहा कि हम लोग के लिए गौरव होगा और इनकी उज्ज्वल भविष्य की मैं शुभकामना करता हूँ और चाहूँगा कि यदि इनको जिस भी माध्यम से, प्रशासन स्तर से कोई यदि मदद चाहिए, चाहे वो गाइडेंस के रूप में हम लोग के स्तर से या शिक्षा वृत्ति के रूप में, हम लोग इनका भरसक प्रयास करेंगे कि इनको प्रायोरिटी पे इनको हम लोग मदद करें और इनके वॉइस को आगे बढ़े। तो देखते रहिए वॉइस ऑफ सीतामढ़ी बिहार। आप भी आ जाइए इधर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार में चौथा स्थान लाने वाले केशव कुमार को सीतामढ़ी डीएम डॉक्टर रंजीत कुमार और सीतामढ़ी के एसडीओ आईएएस मुकुल कुमार, आप दोनों मिलकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उनके हौसला को बढ़ा रहे हैं। चलिए, ये आपकी दोनों सिस्टर हैं। सर सर भैया हैं। और ये सामने परिवार के लोग हैं, इन तमाम लोगों के चेहरे पर खुशी है। इनके पिता अगरबत्ती की दुकान चलाते हैं। तो देखिए, एक बात के लिए काफी खूबसूरत पल है ये और काफी सुहाना पल।
ठीक है, फोटो ले लो।